हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जब इंस्टीट्यूट ने 15 जुलाई को अनाउंसमेंट रिलीज़ करी नवंबर 20 एग्ज़ाम डेट्स के रिगार्डिंग में, सो उसी के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आने शुरू हो गए, मई 20 वाले स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली मई 2020 वाले एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को। इंस्टीट्यूट ने जो अनाउंसमेंट निकाली वो एक तरह से नॉर्मल अनाउंसमेंट है। जैसे कि उन्होंने मई 20 एग्ज़ाम डेट्स के लिए अनाउंसमेंट रिलीज़ करी थी, वैसे ही उन्होंने नवंबर 20 एग्ज़ामिनेशन डेट्स के लिए अनाउंसमेंट रिलीज़ करी है। उन्होंने वो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं करी जिसकी वजह से जो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होकर मर्ज हो गए नवंबर 2020 में, उसको क्लैरिफाई नहीं करा उन्होंने कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म उनको भी फिर से भरने हैं। ऑब्वियसली जिनको ग्रुप चेंज करना है, सिंगल से बोथ ग्रुप फिल करना है, उन्हें तो ऑब्वियसली चेंज एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिर से फिल करना होगा ही होगा, लेकिन जिनको कोई चेंजेस नहीं करने हैं उनका क्या। सो इंस्टीट्यूट ने जो 3 जुलाई 2020 का अनाउंसमेंट रिलीज़ करी थी एग्ज़ामिनेशन कैंसिलेशन की, उसके अगर आप लास्ट पैराग्राफ में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, स्टूडेंट्स वो हैव मेड एप्लीकेशन फॉर मई 2020 एग्जामिनेशन विल हैव एन ऑप्शन टू चेंज ग्रुप्स ऑफ देयर अपीयरेंस एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस, विच सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिवेलिंग एट द रिलेवेंट टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020। और इसी अनाउंसमेंट में इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया था कि जो नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन होंगे वो 1 नवंबर से शुरू होंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिवेलेंट एंड रिलेवेंट टाइम। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि फ्रेश एप्लीकेशन आपको जनरेट करनी पड़ेगी इसमें। ऑल्दो उन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो अपने ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, सेंटर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट पॉसिबल अप्रोच यही रहेगी कि सभी स्टूडेंट्स को, चाहे जिन्होंने ऑप्ट आउट करा हो, जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं करा हो, उन सभी को एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करना होगा। ऑब्वियसली एग्ज़ामिनेशन फ़ीस तो उनकी कैरी फॉरवर्ड हो गई है, तो उन्हें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस फिर से पे नहीं करनी। पर हाँ, जिन्होंने सिंगल से जो बोथ ग्रुप जाएंगे उनको रिमेनिंग अमाउंट तो पे करना ही होगा। ऑल द बेस्ट ये रहता कि जो स्टूडेंट्स जिनको कोई चेंजेस नहीं करने, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो उन्होंने पहले से फिल कर रखे उन्हें वैलिड कर दिया जाए नवंबर 20, मतलब ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाए नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि ICSE ने अपनी अनाउंसमेंट में एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट में सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड बाई स्टूडेंट्स फॉर CS एग्जामिनेशन जून 2020 सेशन विल होल्ड गुड फॉर CS एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2020। सच स्टूडेंट्स कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई अगेन। तो उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको सेंटर चेंज करना है, मॉड्यूल चेंज करना है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम के बीच में। सो यही कुछ चेंजेस थे। एक और पॉइंट मैं रेज करना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने लेट फीस फिल करी थी मई 2020 के एग्जामिनेशन में, उनका क्या उनकी लेट फीस, उन्हें क्या रिटर्न बैक होगी। ऑल्दो इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके सारे बेनिफिट, चाहे हमने फीस पे करी हो, चाहे आपके एग्जामिशंस हो, वो कैरी फॉरवर्ड हो गए। सो अगर कैरी फॉरवर्ड हो गए तो आपकी शायद से लेट फीस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और थोड़े ऑल्दो तो होना आपके रिटर्न बैक ही चाहिए लेट फीस, लेकिन वो डिपेंड करता है ICSE की क्लैरिफिकेशंस पर। तो इंस्टीट्यूट ने ही ये क्लैरिफाई पहले कर दिया था कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन जनरेट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जिन्होंने पहले से एग्जामिनेशन फीस पे कर रखी है उन्हें कोई एग्जामिनेशन फी पे करनी नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि CDS पोर्टल में जब आप बुक्स को ऑर्डर करते हैं तो उसमें आता है कूपन का ऑप्शन, तो कूपन का जब ऑप्शन आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो बैलेंस है वो नील हो जाता है। सो वैसे ही इसमें भी आपके लिए ऐसे ही ऑप्शन जनरेट हो जिससे जिन स्टूडेंट्स को कोई चेंजेस नहीं करने वो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन फॉर्म नॉर्मली फिल करे, और जब पेमेंट की बारी आई तो उनके लिए वो नील कर दिया जाए। इसके बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहेगा तो वो आपके वैसे ही 5 अगस्त को जब एग्ज़ाम्स फॉर्म की विंडो ओपन हो जाएगी तब और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे। उससे पहले अगर इंस्टीट्यूट कोई क्लैरिफाई करता है इसके रिगार्डिंग में तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।